अब देखिए हम लोग बीम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। बीम पे कितने प्रकार के टेक हुए पढ़ चुके थे, और बीम कितने टाइप के होते हैं पढ़ चुके थे, और बीम पे लोड कितने प्रकार के होते हैं पढ़ चुके थे। हमने बताया था आप लोगों में क्या है, पॉइंट लोड और यूवीएल है ना, और बाकी लोड आप में है नहीं। तो उस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब क्वेश्चन लगाने के लिए हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कोई धरन हमारी है, मान लीजिए ये कोई धरन हो गई हमारी, ठीक है, ये धरन, इस पर हमारा कोई लोड काम करेगा, तो आपको पता है ना क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्या होगा, ये ऊपर से हम कोई लोड लगाएंगे तो इसके प्रतिक्रिया में क्या होगा, नीचे से भी कोई क्या होगा, लोड काम करेगा, यानी कि इसको नगण्य करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि वो किस पे काम करेगा, इनकी प्रतिक्रियाओं पे काम करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने के लिए सब लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, काफ़ी लंबा वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम बस आप लोगों को सिंपल चीज़ बता रहे हैं, बस ये ध्यान में रखिए। ये हमारा क्या हो, आर ए और आर बी प्रतिक्रिया निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या ध्यान रखेंगे, जो नीचे के बलों का योग होगा ऊपर के बलों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम ए और बी दो सिरा मान लिए, और ये हमारा डब्लू भार काम कर रहा है, और यहाँ से आर ए और आर बी प्रतिक्रियाएँ लग रही हैं, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, और ये दूरी यक्स हो गया और ये दूरी वाई हो गया। तो सबसे पहला क्या होता है, हम बताएं सिग्मा एफ बराबर इसको जीरो बोला जाता है, ये तो इसमें हम क्या बताए हैं, ऊपर की तरफ कार्य करने वाले बल तथा नीचे की तरफ कार्य करने वाले बलों का योग क्या होगा हमारा, शून्य होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ वाले कार्य करने वाला बल नीचे की तरफ कार्य करने वाले सभी बलों को योग के बराबर होता है। जैसे इसमें देख लीजिए हमारा क्या हो गया, नीचे से दो बल कार्य कर रहे हैं आर ए आर बी, तो हम लिख दिए आर ए प्लस आर बी बराबर ऊपर से क्या लग रहा है, डब्लू फोर्स लग रहा है, तो ये लिख दिया हम डब्लू, ठीक है ना, आर ए प्लस आर बी बराबर डब्लू लिख दिए। हम क्या करें, आर ए और आर बी को इधर पक्षांतर के, तो सिग्मा एफ बराबर जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा, सिग्मा एम बराबर जीरो, यानी कि बीम के किसी बिंदु पे लिए गए कुल आघूर्णों का योग जो क्या होता है हमारा, शून्य होता है। बीम के किसी बिंदु पर लिए गए कुल आघूर्णों का योग क्या होता है हमारा, शून्य होता है। अब आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, आघूर्ण क्या होता है हमारा, किसी बिंदु के निश्चित लंबाई से लगने वाले बल तथा उनके लंबवत दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। किसी निश्चित बिंदु से लगने किसी धरन पे किसी निश्चित बिंदु से लगने वाले क्या हमारे निश्चित बिंदु से लगने वाले बल तथा उसके लंबवत लंबाई के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं। जैसे यम बराबर हम लिख सकते हैं यम, यानी कि आघूर्ण को यम से मोमेंट यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर हम लिख सकते हैं क्या, बल गुणे मोमेंट बराबर फोर्स इंटू क्या, बल गुणे लंबवत दूरी, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या बताएं अभी, पहला कंडीशन तो डेल्टा एफ बराबर जीरो होता है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, डेल्टा एम बराबर जीरो, यानी कि धरन के किसी बिंदु पर कार्य करने वाले सभी बलों का है, मतलब योग तो हम बता दिए हैं। अगला मोमेंट क्या है, धरन के किसी बिंदु पर लिए गए, ठीक है ना, धरन के किसी बिंदु पर लिए गए सभी आघूड़ों का जो क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे आप देख लीजिए हम ए पर क्या ले रहे हैं, आघूड़ ले रहे हैं, ए पर हम क्या रहे हैं, घूड़ ले रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम ए पर घूड़ लिए, तो देखिए इस पर सबसे पहले हमारी आर बी है, और ये ध्यान रखिए जो हमारा क्या होता है, ऊपर की ओर फोर्स लगते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा धरन पे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। बाकी ये पूरा नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग के सिलेबस में है नहीं, मतलब अगले में जब पढ़ेंगे आप लोग, कोई सब्जेक्ट आएगा, मॉस आएगा, एसओएम आएगा, जो भी चीज़ आएगा उसमें पूरा डिटेल है इसका, फिलहाल इतना जानिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग को जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो देखिए ये जानिए कि ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए पर घूड़ ले रहे हैं ना, तो हम ए पर घूड़ सबसे पहले आर बी से लेंगे, तो आर बी फोर्स हो गया, तो हम क्या बताए थे अभी, बल गुणे लंबवत दूरी, तो ये फोर्स का है आर बी है, तो क्या हो गया हमारा, आर बी
इनटू दूरी क्या है वाई, लंबवत दूरी वाई। अब देखिए उसके बाद कौन सा फोर्स काम कर रहा है, डब्ल्यू ए नीचे की तरफ है ना, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा एक्स। और अब देखिए आर ए है प्लस आर ए इंटू, और आर ए तो क्या है ए ही पर काम कर रहा है ना, तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी जीरो, ठीक है ना। इस तरह से हम निकालते हैं। अब आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन है कि हमारा ये एक धरन है, इस पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, एक एक 3 kN 2 m पर काम कर रहा है, 4 kN 3 m ए बिंदु से 3 m पर काम कर रहा है, 5 kN ए बिंदु से 4 m पर काम कर रहा है। तो हमारा इसमें क्या पूछा है, आर ए और आर बी का मान पूछा है, ठीक है ना। तो हम क्या बताए थे अभी, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कार्य करने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग नीचे की तरफ कार्य करने वाले सभी बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, या फिर किसी धरन पर कार्य करने वाले सभी बीजगणितीय बलों का योग शून्य होगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए हमारे जैसे नीचे की तरफ से कितने बल कार्य कर रहे हैं, आर ए आर बी ना, तो हम यहाँ लिख दिए आर ए प्लस आर बी बराबर, ऊपर की तरफ से कितने बल कार्य कर रहे हैं, 3 kN 4 kN 5 kN, तो 3 + 4 + 5 यानी कि हमारा आर ए प्लस आर बी बराबर क्या आ गया, 4 × 3 = 7 × 5 = 12, ठीक है। अब आते हैं, ये चीज़ हमको मिल गया, हमको आर ए और आर बी का मान निकालना है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे, ये हमारा डेल्टा सिग्मा एम बराबर 0 बताए थे ना, यानी कि किसी एक बिंदु पर क्या लेना है हमारा आघूर्ण लेना है, ए पर ले लीजिए या फिर बे पर ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम ए पर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बिंदु ए पर घूर्ण लेने पे, तो गुण कैसे लिया जाता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो हम ए पर ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या एक तरफ से चलते हैं, यानी कि दोनों, तो हम या फिर बी पॉइंट से चलें या फिर ए पॉइंट से चलें, ठीक है ना, कोई एक तरफ से चलेंगे, तो हम बी ओ से चल रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा फोर्स काम कर रहा है, आर बी ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आर बी इंटू लंबवत दूरी, ये देखिए क्या है हमारा 5, ये हो गया 5। अब देखिए क्या बताए थे, ऊपर की तरफ जितने फोर्स काम करते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ जितने काम करेंगे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये 5 kN नीचे की ओर है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 इंटू लंबवत दूरी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कितनी है 4, तो ये 4 हो गया, फिर माइनस का 4 है ना, ये इसके बाद माइनस का 4 ही तो है, 4 इंटू दूरी क्या है हमारी 3, फिर माइनस का ये देखिए ये भी तो नीचे की तरफ है, 3 इंटू लंबवत दूरी क्या है हमारी 2। अब देखिए यहाँ पे आर ए है तो मीटर 2 ही लिख दीजिए, और आर ए क्या है पॉजिटिव प्लस आर ए इंटू इसकी दूरी क्या है 0 बराबर 0 हो गया हमारा, ठीक है ना। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा आर बी इंटू 5 माइनस 5 × 20 4 × 12 3 × 2 = 6 बराबर 0 आर बी बराबर इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12 × 6 = 18 18 × 20 क्या होता है हमारा 38, तो यहाँ पे आ गया हमारा 38। इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आर बी बराबर हमारा आ जाएगा 38/5। अब इसको हम क्या करेंगे काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 35 और बचा 3 × 5 = 30 7.6 kN। ये हमारी आर बी की वैल्यू हो गई, और आर ए प्लस आर बी बराबर क्या है हमारा 12 है, तो आर ए प्लस आर बी बराबर 12, और आर बी का मान कितना 7.6, तो आर ए प्लस 7.6 = 12 यानी कि आर ए बराबर 12 माइनस 7.6, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 12 यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 4.4 kN, यानी कि आर ए का मान कितना होगा हमारा 4.4 kN और आर बी का मान कितना होगा 7.6 kN,
एकदम आसानी से, ठीक है ना। ये पॉइंट लोड संबंधी क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं, जब क्या हो हमारा UVL लगाओ, यूनिफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाओ। देखिए UVL को हम बता रहे हैं, UVL जो होता है हमारा, UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक फार्मूला होता है 1/2 लोड, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा क्या होता है, सॉरी, हमारा UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे हम बता देते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे ये धरन है, इस पर एक हमारा ये बल कार्य कर रहा है UVL, इसका जो मान है क्या हमारा 3 न्यूटन मान ले रहे हैं, और इसकी लंबाई क्या है हमारी 9 है, ठीक है ना, 9 मीटर या सेंटीमीटर है। तो हम इसको देखिए पॉइंट लोड में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी इंटू बल का मान, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये कहाँ काम करेगा, पूरी धरन पे, ये पूरी धरन पे ये पॉइंट लोड के लिए कहाँ कार्य करेगा, इसके लिए क्या करते हैं हमारा, दूरी बटा में दो, यानी कि 9/2 करेंगे तो क्या आएगा, 4.5, यानी कि ये बिल्कुल बीच में काम करेगा, ठीक है ना। UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, दूरी गुणे जितना बल का प्रति मीटर, मतलब बल का प्रति मीटर जितना मान दिया होगा उसमें गुणा कर देंगे, जितना वैल्यू आ जाएगा वो कहाँ कार्य करेगा हमारी, पूरी दूरी के आधी, यानी कि बीचों बीच में कार्य करेगा, ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए हमारा दिया है, 1.5 मीटर पे हमारा 4 kN का बल कार्य कर रहा है। फिर देखिए 1.5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हमारा क्या, 2 kN/m तक हमारा क्या लग रहा है, UVL फोर्स लग रहा है, UDL फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फिर उसके बाद 1.5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। 1.5 नहीं, इसको हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। यहाँ पे 5 kN का बल कार्य कर रहा है। अब हम सबसे पहले अभी क्या बताए थे, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में चेंज करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट लोड में चेंज करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है, दूरी 1.5 है ना, और ये 2 kN/m के हिसाब से लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 kN, ये आ गया ना टोटल फोर्स का मान। अब ये कहाँ लगेगा 1.5 में, तो 1.5 में कहाँ लगेगा, 1.5/2 कितना आ जाएगा हमारा बताइए, 0.75, यही तो आएगा, यानी कि यहाँ पे काम करेगा। इसका यदि हम कन्वर्ट कर लें तो इसका एक नया डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा ए और बी, ये हो गया हमारा आर ए और ये हो गया आर बी। यहाँ से 1.5 न्यूटन पर हमारा क्या पॉइंट लोड लग रहा है, 4 kN, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अब देखिए 1.5 पे यहाँ से 0.75 पे लग रहा है हमारा मीटर पे, यहाँ पे 3 kN, ठीक है ना। फिर ये 0.75 हो गया, फिर यहाँ से 1.5 पे क्या लग रहा है हमारा, 5 kN, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 1.5, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका प्रतिक्रिया निकालने को बोला है तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या, ऊपर लगे सभी बलों का योग नीचे लगे सभी बलों का योग के बराबर होगा, तो हमें का आर ए प्लस आर बी बराबर हमारा हो जाएगा 4 + 3 + 5, 4 × 3 = 7 = 12, ये भी आ गया हमारा आर ए प्लस आर बी। अब हम क्या बताएं, अभी किसी एक बिंदु पर गुण ले लेते हैं, या बी पे ले लीजिए या ए पे ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोग बी पे लेके निकाल लीजिएगा या फिर ए पे लेके निकाल लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बी से निकालेंगे तो दूसरा मान आएगा, ए से निकालेंगे तो दूसरा मान आएगा, आएगा सेम ही, ठीक है ना। तब ए बिंदु पर गुण लेने पे, ठीक है, ए बिंदु पर गुण लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए यहाँ पे ए है ना, सबसे पहले आर बी कार्य करेगा, तो आर बी पॉजिटिव का होगा ना कि ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, तो आर बी
इंटू, अब दूरी कितना है, 1.5, 1.5 क्या हो गया हमारा 3, फिर ये टोटल 1.5 3 और 4.5 और प्लस 1.5 6, यानी कि हमारा हो गया 6। और फिर ये नीचे की तरफ है ना तो नेगेटिव माइनस का 5 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 3 और 1.4 हो गया। फिर ये देखिए नीचे की तरफ है हमारा ना इंटू माइनस 3, अभी 1.5 और 7.5 कितना होगा हमारा, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा हमारा इंटू 5 और 7 5 2 और 1 1 2, यानी कि 2.25, ठीक है ना। अब क्या है, ये है 4 किलो न्यूटन माइनस 4 इंटू दूरी कितनी है 1.5 बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है हमारा वो शर्त क्या होना चाहिए, किसी धरण के किसी बिंदु पर लिए गए सभी आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, तो वही है हमारा। अब इसको हम कैलकुलेशन से आसानी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर बी इंटू 6 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और 5 × 20 और 2 × 22, ये हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर माइनस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 बराबर 0। अभी हमारा आ गया आर बी इंटू 6, अभी टोटल जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 5 7 और 5 12 2 1 13 2 15 और 5 और 1 2 1 3 क्या आ गया 35.25 आ गया, ये क्या आ गया हमारा। अब आर बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 35.25/6। तो ये हमारा मान लीजिए डिवाइडेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेशन कर लीजिए तो ये जब हम सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा 5.87। इसमें हम बताए थे ना कल भी कैलकुलेटर अलाउड है तो आप लोग लेके जा सकते हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये हमारी आर बी की वैल्यू क्या आ गई 5.87, तो आर ए प्लस आर बी बराबर हमारा है 12, ठीक है ना। और दिख नहीं रहा ना, ये दिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देते हैं हम, क्या यहाँ लिख देते हैं आर ए प्लस आर बी बराबर है हमारा 12, ठीक है ना। तो हमारा आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए बराबर 12 माइनस 5.87, ये आ जाएगा हमारा क्या 6.12 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल लगा लेंगे, बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा जो हम बताए हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। बाकी यदि आप लोग कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और हमारा नंबर है ये उस पर मैसेज कर दीजिए, या फिर कॉल करके भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।